मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है ना स्टैंडर्ड थर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में सेकंड यूनिट देखेंगे। उसी में का पोयम है, पोयम का नाम है बैड टॉक। बैड्स लोग बात करते हैं ना, देखो दोनों बैड्स का पिक्चर दिया है, कैसे लड़का लड़की लोग बैठ के बात करते हैं ना, ऐसा ये दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं। किसके बारे में? देखो, डू यू थिंक बैड्स फाइंड पीपल फनी? कैसे बैड्स लोग इंसान के बारे में सोचते हैं, इंसान लोग को देख के उन लोग को हंसी आता है। थिंग सेड द रॉबिन, थिंग सेड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। एक दिन रॉबिन और जय ने गार्डन में एक पेड़ में बैठ के दोनों बातें कर रहे हैं। थिंग अबाउट पीपल द वे दे grow, they don't have feathers at all, you know। वो लोग बोल रहे हैं, सोचो इंसान को अपन छोटे से देख रहे हैं, वो लोग बड़े हो जा रहे, लेकिन वो लोग को अपने जैसे फेदर्स, फेदर्स मतलब वो लोग का ये पंख सब आता है ना, वो सब क्यों नहीं आता है, ये तो सोचने वाली बात है। they don't eat beetles, beetles बोलेंगे तो वो छोटा छोटा कीड़ा वो सब रहता है ना, इंसेक्ट्स है, वो एक टाइप का इंसेक्ट्स है। दे डोंट ग्रो विंग्स, विंग बोलेंगे तो वो लोग को पंख रहती है, इसको बोलते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, वो लोग है ना कोई भी चीज में मतलब कैसे पत्थर होगा पेड़ होगा वहां बैठना नहीं चाहते हैं, ऐसा ही वायर्स में पावर इलेक्ट्रिक वायर है ना उसी में भी बैट्स लोग बैठ जाती है, लेकिन इंसान लोग उसी में भी बैठते नहीं है। थिंग सेड द रॉबिन, थिंग सेड द जय, आरेंट पीपल फनी टू बी दैट वे, उन लोग को ऐसा इंसान के बारे में सोचते उन लोग को हंसी आ जाता है, ये लोग कैसे हैं, कैसे जन्म हुए वैसे बड़े होंगे तब तलक रहते हैं, वो लोग का कुछ फेदर्स भी नहीं आते हैं, वो लोग भी अपने जैसे वो लोग कुछ खाते भी नहीं है, ऐसा सोच के वो लोग इंसान के बारे में पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। ये पोयम है, पोयम का राइटर कौन है? एलिन फिशर, ये पोएट का नाम है। और ये पोयम का नया वर्ड है BEETLES, बीटल्स एक टाइप ऑफ इंसेक्ट। सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठना। वायर्स, वायर्स बोलेंगे तो पावर इलेक्ट्रिक वायर आता है ना उसको बोलते हैं। फनी, फनी बोलेंगे तो एक चीज को देख के अपने को हंसी आ जाता है उसको फनी बोलते हैं। अभी ये पोयम तो तुम लोग को मैंने समझाया, अभी तुम लोग क्या करने का है, अपने नोटबुक निकाल के उसी में ये लिखने का है, यूनिट टू लिखने का, उसके बाद में पोयम का नाम लिखने का बैड टॉक, फिर आएगा बैड मीनिंग हेडिंग डाल देने का, फिर नीचे से लिखने का है रॉबिन नेम ऑफ ये बैड, एक बैड का नाम था। जय नेम ऑफ ये बैड, ये भी एक दूसरी बैड का नाम था। वे MAERR मैनर मतलब आदत। टू ग्रो टू बिकम बिग बड़े हो जाना। बीटल्स एंड इंसेक्ट एक छोटा जंतु है। टू ग्रो इसी में विंग्स के बारे में बोला है। टू हैव विंग्स फनी समथिंग दैट मेक्स यू लाफ, ऐसा एक चीज है उसको देख के तुम लोग को हंसी आता है उसको फनी बोलते हैं। कोई भी किसी के बारे में बात करेंगे वो सुनेगा दुरन अपने को हंसी आ जाता है उसको फनी बोलते हैं। ये वन टाइम अच्छे से लिख लेने का, इसको ये मीनिंग को याद भी करने का है। थैंक यू।